करता था बहुत ज़्यादा जब छोटा था, जब मैं अपने दादाजी के साथ आया करता था तब के टाइम पे ये मार्केट में इतने मॉल हुआ करता था। ठीक है, नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक घर से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी हम कहीं जा रहे हैं। लाइक मार्केट आज कौन सा दिन है? आज वेनेसडे। हाँ, संडे और वेनेसडे को मार्केट लगता है, तो संडे को हम जा नहीं पाए। तो वेनेसडे है आज एंड मार्केट लग रखी है आज। लाइक गांव का एक मार्केट लगता है, जैसे कि उसने बताया कि संडे और वेनेसडे को मार्केट लगता है, तो आज वेनेसडे है एंड वही मार्केट पर अभी जाने वाले हैं। सब्जी वब्जी लेते हैं एंड थोड़ा सा मार्केट वार्केट देखते हैं। तो गाइस लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा जो अभी बुरा लग रहा है ये लग रहा है कि लाइक यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है ये है कि लाइक अभी गांव में आ रखा हूँ, यहाँ पे यार पहले नेट चलता था बट अभी नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। लाइक मेरे को दूर जाना पड़ता है कहीं पर, वहाँ पर जाके मेरे को वीडियो अपलोड करना पड़ता है, तब जाके बहुत मुश्किलों से वीडियो अपलोड होता है, तब जाके आप लोग देखते हो। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं डेली अपलोड करूँ बट डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, वही नेट का इश्यू है। लेकिन जल्दी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा क्योंकि वाईफाई का जुगाड़ कर रहे हैं, लाइक एयरटेल या बीएसएनएल का यहाँ पे है तो लगाने की कोशिश करेंगे। अगर लग गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं लगा तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेंगे करेंगे जब तक है यहाँ पे। तो अभी मैं साइकिल और बाइक नहीं लिया क्योंकि यार वॉक करने पर मेरे को ज़्यादा बेहतर लग रहा था। पास ही है, लाइक वो देखो वहाँ पर होगा, अगर जूम करके दिखाऊँ तो वो देखो, देख पा लोगे जूम करके। तो इतना ही क्लोज है हमारे घर से, सो वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉक करना चाहो तो वॉक या फिर बाइक वॉक। तो मैंने बाइक नहीं लिया, पैदल ही चल रहा हूँ और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत पहले आता था और अब पैदल चलता हूँ तो चीज़ें दिखती भी है कि अच्छा वो उसका घर वैसा बन गया, वहाँ पे वो हो गया, ये सब चीज़ देखने को मिलता है, इसलिए वॉकिंग ज़्यादा बेटर होता है। देखो लॉकडाउन का इंतजार था, जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो यहाँ पे भी ये लाइट वाइट लगना स्टार्ट हो गया। शादी वादी का था, बहुत लोगों का शादी वादी का था, जस्ट बिकॉज लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन्ड हो चुका था। एट लास्ट लॉकडाउन खुल चुका है तो अब शादी वादी होगा, सबका बारात आएगा। यहाँ पे भी देखो, वो देखो टेंट वेंट लगा हुआ है। सो गाइस मैं आ गया हूँ, लाइक वो देखो वो स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा सामने से हट जाओ, अबे गैप दो थोड़ा। हेलो, देखो अपने धुन में ये पैसे का हिसाब कर से देखो मार्केट आ चुका है। मैं भी वहाँ पे जाके व्लॉग ना कर पाऊँ क्या, उसकी बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों को पता भी नहीं कि ये क्या है, तो मेरे को टुकटुका के देखेंगे एक बार, देख के बता कैसे देखेंगे मेरे को लोग, ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो ऐसे करके देखें तो बेटर है कि वहाँ पर मैं ऐसे कैमरा हाथ में लेकर, ऐसे कैमरा ऐसे हाथ में लेकर ना रहूँ। ठीक है, तो चलो जो सब्जी वब्जी वगैरह ले रहे हैं वो लेते हैं एंड कुछ खाते पीते भी। अभी जो भी वीडियो बनाया है आपने देखा होगा कि लाइक इस मार्केट में आपको ए टू जेड चीज़ें मिल जाएंगी, पीछे कपड़े का था, सब्जी का था, ए टू जेड चीज़ें मिल जाती है। पहले ये मार्केट जब मैं बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा जब छोटा था, जब मैं अपने दादाजी के साथ आया करता था तब के टाइम पे ये मार्केट में इतने मॉल हुआ करता था, DLF का मॉल हुआ करता था या फिर GAP का मॉल हुआ करता था, लेकिन मॉल हुआ करता था। बट अभी के टाइम पे थोड़ा सा ऑफवर्ड सा लगता है बिकॉज की अभी आप बड़े जगह से आओ, ऐसे ऐसे देखोगे कि यहाँ पर अभी भी स्टिल अभी भी ये कम से कम 20-25 साल पुराना अभी रीति रिवाज है कि लाइक लोगों को संडे और वे आके यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, कारपेट बिछा के उसके ऊपर सामान रख के वो बेचा जा जो जाता है वो अभी भी चलता है यहाँ पे। तो वही सब चीज़ देख के मेरे को अच्छा भी लगता है क्योंकि बहुत पुराना चीज़ है, ये सब चीज़ देखने को इतना जल्दी मिलता नहीं है, बट मैंने दिखाया आपको कैसा होता है नहीं होता। मेरा ड्रीम है कि लाइक गाड़ी वाड़ी तो चलो फॉर्च्यूनर BMW ऑडी एक ना एक दिन आ ही जाएगा, बट मेरा ड्रीम है कि एक घोड़ा काला कलर का मेरे घर के आगे खड़ा रहे, ठीक है, और मैं उसको चढ़ूं या यहीं पे या गांव में या फिर दिल्ली में, मेरे को घोड़ा चाहिए काला कलर का। ठीक है, तो अगर आपको देना हो तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करो, ठीक है, फॉलो मत करना, सीधा मैसेज कर देना, मैसेज करने के बाद आप मेरा एड्रेस पूछ लेना, मैं एड्रेस बता दूंगा, वो घोड़ा मेरे घर पे डिलीवरी कर देना। ठीक है, हमने जो भी हमें लेना था सब्जी वगैरह लेना था वो सब्जी ले लिया एंड मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीना था वो तो आपने देख ही लिया होगा। सो आप मुझसे पूछोगे कि सब्जी है कहाँ, तो ढूंढ सब्जी हमारे एक गाँव का बच्चा मिल गया, उसको दे दिया क्योंकि रॉयल्टी कभी छोड़नी नहीं चाहिए, जब भी मौका मिले रॉयल्टी को थाम कर रखो। ठीक है,
तो मैंने उसको दे दिया ताकि हाथ खाली रहे। अगर आपने वीडियो अगर देखा होगा बीच का पार्ट कि लॉकडाउन मार्केट का जो भी था, तो मार्केट में तो पब्लिक उतना अभी नहीं है जितना पहले होता था, बट हाँ मैंने जो देखा था ठीक था, मतलब जितना सा एरिया था, इतना छोटा सा एरिया था, उस एरिया में काफ़ी बंदे थे वहाँ पे, मार्केट भी नहीं लगा, एंड सोशल डिस्टेंस की तो जय हो रखा है वहाँ पे। मैं पहुँच गया हूँ लाइक मेरे घर के पास, ये जो बेसिक स्कूल है, बेसिक तो नहीं है, बहुत बड़ा स्कूल है। शायद आपने मेरा इसका ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देखो, ठीक है। ये जो है ये स्कूल जो है बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ पहुँच गया, ये हमारे घर के जस्ट फ्रंट में वो जो ग्रीन ग्रीन और ब्लू कलर का लाइट जल रहा है वही है घर, एंड ये है स्कूल। ये देख, बोला जाता है कि यार रात के टाइम पे बहुत डरावना सा हो जाता है, कॉज की और तेरी शीशा भी टूटा हुआ है, वो देख वहाँ का शीशा टूटा हुआ है। अच्छा यहाँ से डरावनी की आवाज़ आती है, चीखने का आवाज़ आती रहता है 12 बजे के बाद से पहले, क्योंकि सब जगह तो भाई कोई रहता भी नहीं है यहाँ पे। मेरे को डर लगने लगा है, लाइक रूट बोल रहे हैं कि यहाँ पे चीखे आती है, आती होगी मुझे नहीं पता, क्या उसकी यार गांव है कुछ भी। स्कूल चालू नहीं हुआ है ना, ये स्कूल अभी तक चालू नहीं हुआ है, मतलब बना है जिस दिन से उस दिन से ये स्कूल चालू ही नहीं हुआ है, जबकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देखो कितना बड़ा है, अभी तक इसको ऑन नहीं किया जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे तेरी, मेरे को ये शीशा टूटा है ना, वहाँ से जो वो लाइट आ रही है ना, मुझे लग रहा है कोई मेरे को देख रहा है वहाँ से, भागो यहाँ से। ऊपर ये लोग बोल रहे हैं कि लाइक यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी ना, तो यहाँ पे एक लेबर ऊपर से नीचे गिरा, और नीचे गिरा तो वो मर गया, ऑन द स्पॉट मर गया, एंड गड्ढा खून कर उसको उसी के अंदर डाल दिया। सो उसी का आत्मा यहीं कहीं भटक रहे होंगे, लग भी रहा है यार, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ्टी से नहीं बनाते हैं। चलो ये सब चीज़ छोड़ो, अगर ये सब चीज़ दिमाग में आ गया तो रात को मेरे को नींद भी नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा मैं सो नहीं पाऊंगा, ऊपर से इतनी गर्मी है। सो उस चीज़ को छोड़ो, तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आएगा तो जाकर लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट में मज़ा आया, ठीक है, कमेंट जरूर करा करो।